टॉपिक था हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मेटेलिक करेक्टर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत ही इजी और सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादातर बच्चे 11th में पढ़ चुके होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सबको पता ही होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव एटम फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक वो कंसेप्ट है जो रिलेट करता है एटॉमिक प्रॉपर्टी से। ये एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है, इसीलिए आपको एक वर्ड पे बहुत फोकस करना है, दैट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने बोला एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है, तो मैंने बोला एक एटम। अब सिंगल एटम आपको ना तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा ना लिक्विड स्टेट में, आपको सिंगल एटम किस स्टेट में मिल सकता है, गैस स्टेट में। इसीलिए यहां पे मैंने वर्ड लिखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब हम एक गैस स्टेट में आएंगे, सपोज दैट सोडियम है, सोडियम को मैंने सबलाइन करके गैस स्टेट में, अब हमें सोडियम जो है वो सबलिमेशन करके गैस स्टेट में आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट में से नहीं निकलेगा, वो कौन से स्टेट में से निकलेगा, गैस स्टेट में से। तो हमने क्या करना है, सोडियम अभी गैस स्टेट में है, यहाँ पे हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और फाइनली ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सोडियम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब सिंगल एटम, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और तब यहाँ जो एनर्जी मैंने खर्च करी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी हर एक एलिमेंट पे डिपेंड करती है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द फैमिली। मतलब अब ये अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है, जैसे कि हम बोलें आयनाइजेशन एंथैल्पी एक फैमिली की ज़रूरी नहीं है सेम हो, ये डिपेंड करता है। जैसे एस ब्लॉक है, अब एस ब्लॉक में ग्रुप वन में कितने सारे एलिमेंट्स आते हैं, सबको चाहिए कि सब एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, लेकिन क्या सब बराबर एनर्जी यूज करके एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बहुत अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, मतलब एटम का साइज कितना बड़ा है, एटम इस टाइम किस पोजीशन पे है, वो ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइड करते हैं, मतलब किस एटम को ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, किसको कम एनर्जी लगने वाली है, इट डिपेंड्स ऑन एटम टू एटम। अब जैसे कि डी ब्लॉक की बात करें, अच्छा डी ब्लॉक की बात करने से पहले जैसे सोडियम देख लो, एक सोडियम है और एक मैग्नीशियम ले लो। अगर आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करोगे तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 11, और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। तो यह होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब सपोज करो अगर मुझे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहाँ भी 3s में से निकल रहा है। दोनों का जो रिमूवल साइट है, दोनों का ऑर्बिटल सेम है, लेकिन ऑर्बिटल की कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पर ऑर्बिटल कम स्टेबल है। यहाँ उसे, यहाँ 3s1 है और यहाँ 3s2 है, ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। तो ये चाहेगा कि अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 होने वाला है, मतलब ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और उस केस में ये स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसके पास। तो ये ऐसा करना चाहेगा क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो मैं अब से ज़्यादा स्टेबल स्टेट में चला जाऊँगा। वैसे ही मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, अगर ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर भी देता है तो
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 m3s1। तो अब भी इसमें पहले में और अब में कोई ज्यादा फर्क आया नहीं, ये कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं कर रहा। पहले फुली फिल्ड था जबकि अब हाफ फिल्ड हो गया, तो ये पहले ज्यादा स्टेबल था अब कम स्टेबल है, तो क्या ये ऐसा करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो अब देखो, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है और कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करना चाहता। जो लॉस करना चाहता है वो थोड़ी सी एनर्जी लेगा और लॉस कर देगा, और जो लॉस नहीं करना चाहते, जैसे कि मान लो एक बंदा है उसको अपना सामान बेचना है, तो उसका मन है कि हाँ कोई इसे खरीद ले। अब वो अगर देना चाहता है, अपना सामान बेचना चाहता है, तो वो आपको रेट जो है वो एक फिक्स रेट बताएगा, उसे पता है कि हाँ इतने रेट पे सब सामान ले लेंगे। सपोज करो एक बंदा, उसे एक रजिस्टर देना है, अब वो रजिस्टर उसे पता है कि अगर वो 10 रुपये में बेचेगा तो इसे आराम से कोई भी खरीद लेगा, और इसमें ना तो उसको ज़्यादा घाटा होने वाला है ना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, एक नॉर्मल प्रॉफिट पे वो उस रजिस्टर को बेच देगा। तो उस केस में क्या हो रहा है कि ईजिली उसने अपना वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दिया। एक दूसरा बंदा है, उसको भी एक रजिस्टर, अब उसके पास एक रजिस्टर है लेकिन उसका ऐसे ही है, मतलब उसको उसको देना नहीं है, तो वो उसी जो 10 रुपये का मिलता था वो उसे 50 रुपये में बेचेगा। उसे पता है अगर मैं 50 रुपये लगाऊंगा तो कोई लेने वाला नहीं है इसे, तो उसका मन नहीं है ना देने का, इसीलिए वो अनाप शनाप रेट आपको देगा। लेकिन जो बेचना चाहता है वो तो उचित रेट लगाएगा ना। तो ऐसे ही है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, उसका मन है कि मैं लॉस कर दूं, तो वो आपसे एक नेट अमाउंट में एनर्जी यूज करेगा, मतलब कम एनर्जी लगेगी। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं चाहता, तो वो खूब खूब एनर्जी मांगेगा आपसे। अब जैसे मैग्नीशियम है, वो बोल रहा है 1000 किलो जूल की एनर्जी दो, तब जाके मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो हम ना तो उतनी एनर्जी देंगे और ना हमें वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो बात बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी कम होती है, मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी होगी वो स्टेबिलिटी ज़्यादा अटेन कर रहा है, और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा है। जैसे दो एलिमेंट है, आप एक निकिल ले लो और एक प्लैटिनम, एक हम लेते हैं निकिल प्लस टू और एक मैंने लिया पीटी प्लस टू। अब निकिल ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और प्लैटिनम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लेकिन हम देखते हैं कि निकिल की आयनाइजेशन एंथैल्पी है लो और प्लैटिनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है हाई। अब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब ये थोड़ी आपसे ये थोड़ी सी एनर्जी मांग रहा है। भाई अगर आप किसी से सामान ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है पैसे तो देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही है, निकिल और प्लैटिनम दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ तो देना पड़ेगा। अब क्योंकि ये एटम है, कोई इंसान तो है नहीं, तो यहाँ पे पैसों से काम तो चलेगा नहीं, किससे काम चलेगा? एनर्जी से। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे आपको, तो आप बदले में इनको क्या दोगे? एनर्जी। अब एक एटम है वो कह रहा है भाई ठीक है मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और मुझे थोड़ी सी एनर्जी दे देना, तो यहाँ पे ये आपसे बस थोड़ी सी एनर्जी मांग रहा है, लेकिन ये आपसे मांग रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो क्या हम उतनी एनर्जी सप्लाई करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। और अगर हमने करवा भी दी जैसे तैसे करके, तो प्लैटिनम वाले केस में क्या है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि प्लैटिनम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, और ये स्टेबल है इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो अब आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट Ni प्लस 2 इज मोर स्टेबल देन प्लैटिनम प्लस 2 बिकॉज इट इज हैविंग लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट इज हैविंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से अगर इसमें दूसरा पार्ट देखा जाए, एक बार हम निकिल को प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाते हैं और प्लैटिनम को भी प्लस 4 में लेके जा रहे हैं। पहले मैं इन दोनों में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी, लेकिन अब मैं इन दोनों में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ? 4-4। तो यहाँ पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, वहाँ भी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब 4 का मतलब ये है कि आप जब किसी एलिमेंट में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एकदम से नहीं दे देगा वो आपको 4 इलेक्ट्रॉन एक एक करके। जैसे मान लो अगर मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है और मुझे 4 बेचनी है, तो मैं एकदम से तो 4 को सेल नहीं कर दूंगी, एक एक करके ही सेल करेंगे हम।
तो यहाँ पे ऐसा ही है, जब निकल के चार इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं तो ये स्टेप वाइज एक एक करके निकालेगा। अब जब आपने चार इलेक्ट्रॉन निकाले, एक एक करके हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाले, जब हम सारे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी चार आयनाइजेशन एंथैल्पी आएंगी। पहली जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी चार आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होंगी और चार इसकी भी होंगी। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हम देखते हैं सम ऑफ फोर आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका कम आता है और इसका आता है ज्यादा। तो अब यहाँ पे देखा जा रहा है सम ऑफ फोर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Ni प्लस फोर इज ग्रेटर देन Pt प्लस फोर। अब चार आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम निकिल का ज्यादा है और प्लैटिनम का कम है, तो अब क्योंकि इसका कम हो गया तो अब बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी। ऑब्वियस सी बात है Pt प्लस फोर इज मोर स्टेबल देन Ni प्लस फोर। Pt प्लस फोर इज मोर स्टेबल देन Ni प्लस फोर। तो यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, किसी भी आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। मतलब इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी आपने सिस्टम को प्रोवाइड करवाई, दैट इज बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, मतलब जो एटम बहुत कम एनर्जी लेके आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब वो उस स्टेट में स्टेबल है और वो जाना चाहता है। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट है वो आपसे खूब ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है उस स्टेट में जाने के लिए, इसका मतलब वो उस स्टेट में उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी की डिमांड कर रहा है। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर हम देखेंगे कि हमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ एक जनरल ट्रेंड नहीं चलता। जनरल ट्रेंड का मतलब है जैसे अगर आप स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज में चलते हो, तो 3D सीरीज में हम देखते हैं कि वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। जैसे जनरल ट्रेंड की बात करी जाए तो सबसे पहला पॉइंट सबसे पहले आता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के बाद आता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक। तो सबसे बड़ा साइज किसका? एस का। उससे छोटा किसका? डी का। सबसे छोटा किसका? पी का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किस में लगने वाली है? पी में। और सबसे कम किस में लगने वाली है? एस में। तो यानी एस की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम होगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा किसकी होगी? डी की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? पी की। तो अगर आप तीनों ब्लॉक्स में देखो तो डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पी से जो है कम होती है, लेकिन एस से ज्यादा होती है। तो ये हमने ब्लॉक्स की बात कर ली। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सिर्फ डी ब्लॉक की। अब डी ब्लॉक में आ जाएं तो डी ब्लॉक में हमें पता है जैसे ही आप स्कैंडियम से जिंक वाली सीरीज में चलते हो, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, यहां पर हम देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है साइज आपका घट गया। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, लगातार बढ़ता जा रहा है, साइज लगातार घटता जा रहा है। तो एलिमेंट का साइज जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको दिक्कत आएगी, मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या है? बढ़ेगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। अब एक ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट में हम देखते हैं कि जितनी डिक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, तो ये इंक्रीज हो रही है। मतलब आप देख रहे हो लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए उतना इंक्रीमेंट ये शो नहीं करता। अब जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए उतना इंक्रीमेंट शो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर दो इफेक्ट्स काम करते हैं। एक तो काम करता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा कौन काम कर रहा है? रिपल्शन। और वो रिपल्शन काम कब करेगा? जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के अंदर साइज का एक जनरल ट्रेंड नहीं होता, पहले साइज घटता है, फिर कॉन्स्टेंट होता है, फिर बढ़ता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ दो फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है और दूसरा काम कौन करता है?
दूसरा काम करता है डी के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, मींस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काम कर रहा है एक तो, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है, तो हो क्या रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटा रहा है, समझ रहे हो, डी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटा रहा है, लेकिन डी के इलेक्ट्रॉन जो लगातार रिपल्स कर रहे हैं वो क्या करेंगे, साइज को बढ़ाएंगे। तो एक्चुअली ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बंदा साइज को घटा रहा है, ये बंदा साइज को बढ़ा रहा है, तो यहां पर एक इफेक्ट काम ना करने की वजह से दो इफेक्ट जो लग रहे हैं वो दोनों के अपोजिट इफेक्ट लग रहे हैं। अब अपोजिट इफेक्ट लगने की वजह से यहां साइज जितना छोटा होना चाहिए उतना वो छोटा नहीं हो पाता, क्योंकि साइज के अंदर उतना डिक्रीमेंट नहीं होता, समझ रहे हो बात को, लेफ्ट से राइट जैसे ही आप मूव करोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज घट रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डी के इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, डी के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग रहा है उसमें। अब ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ये क्या करेगा, साइज जितना घटना चाहिए था उतना नहीं घटेगा, उतना नहीं घटा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी बढ़नी चाहिए थी वो उतनी बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को तो मिलता है बट देयर इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। जैसे ही आप एलिमेंट से एलिमेंट की तरफ मूव करोगे वैसे इंक्रीमेंट तो होगा पर उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, और ये कम इंक्रीमेंट का रीज़न है डी के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन। तो एक पॉइंट यहाँ से ये भी आता है हमारा निकल के, दैट इन डी सीरीज बिकॉज देयर आर टू अपोजिट फैक्टर विच वर्क्स टूगेदर, इन डी सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी हैविंग स्मॉल इंक्रीमेंट फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, इट इज ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन डी ऑर्बिटल, और क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाता है तो यहां दो फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से रिपल्शन जो है, रिपल्शन भी वर्क कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वर्क कर रहा है, तो ये दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो इंक्रीमेंट हमें जो है बहुत स्मॉल 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 इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड आल्सो इंक्रीज, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब टाइटेनियम की कंपैरिजन में वैनेडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए जो कि कम है, तो इसका रीजन क्या है, व्हाई वैनेडियम हैज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर्ड टू टाइटेनियम। टाइटेनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 22, तो यह आएगा 4s3d2। अगर वहीं पे अगर आप वैनेडियम का करते हो तो इट इज 4s3d3। तो जब आप वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो आपको दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आप 4s में से निकालने वाले हो। अब यहाँ देखो वैनेडियम के पास 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और टाइटेनियम में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो जो टाइटेनियम है इट इज हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू वैनेडियम।
इनफिनिटियम 3D एग्जिबिट शील्डिंग इफेक्ट बाय विच वैनेडियम हैविंग लो आयनाइजेशन एंथैल्पी देन टाइटेनियम. टाइटेनियम के कंपैरिजन में वैनेडियम का कैसा हो जाता है लो. तो ये अब आप देखो आपके अकॉर्डिंग जहां इंक्रीमेंट होना चाहिए वहां डिक्रीमेंट आ रहा है. तो ये थोड़े वेरिएशन हैं, फ्लक्चुएशन हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता, यहाँ एलिमेंट टू एलिमेंट चीजें वेरिएट करता. अगर ऐसे ही अगर मान लो आप क्रोमियम या कॉपर की बात करो, जैसे अगर हम क्रोमियम की बात करें, ले लेते हैं क्रोमियम. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, तो हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5. वैसे तो 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन क्वार्टेन स्टेबिलिटी या 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है. और अगर आप कॉपर की बात करते हो तो ये है 29, और फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10. तो क्रोमियम में 3d में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कॉपर में 3d में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे अगर हमें बोला जाए कि क्रोमियम और कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, आप ज़्यादा होगी या कम, तो हम अगर सोचें तो हमारे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज 4s और 4s दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना, और इस वक्त दोनों का 4s क्या है, हाफ फिल्ड. अब हाफ फिल्ड है तो स्टेबल तो है ही. अब अगर ये स्टेबल है तो उस केस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. अब इलेक्ट्रॉन रिमूव अगर ये 4s में से कर रहा है और 4s स्टेबल है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी लगेगी. लेकिन आप समझो यहाँ पर हम देखते हैं जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती है, यहाँ बोला जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज लो, जबकि ये हाई होना चाहिए. अब ये लो है क्यों, तो यहाँ पर ऐसा माना गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि क्रोमियम और कॉपर भी दोनों का 4s1 4s1 है और दोनों में से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. अब जबकि ये स्टेबल है, लेकिन अगर मान लो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्रोमियम में कितना हो जाएगा 3d5, कॉपर में कितना हो जाएगा 3d10. तो टू अटेन स्टेबिलिटी क्रोमियम 3d5 में जा रहा है, कॉपर 3d10 में जा रहा है, इसीलिए वो सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो d5 d10 कॉन्फिग्रेशन आ रही है, नॉट वेरी बैड. तो इसीलिए वो इजिली रिमूव कर देते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन. और हम देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज लो टू अटेन d5 and d10 कॉन्फ़िगरेशन. d5 और d10 कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, लो. लेकिन अगर यहीं पर हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होने वाली है, हाई. अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हम बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई. अब क्योंकि अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो निकलेगा 3d5 में से और 3d10 में से, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हो, जैसे यहाँ 3d5 है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है Cr प्लस स्टेट में है और कॉपर भी प्लस स्टेट में है, तो इसके पास 3d5 है और इसके पास 3d10 है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. अगर आप निकाल देते हो तो फाइनली ये जाएगा 3d4 में और ये जाएगा 3d9 में, जो कि दोनों ही अनस्टेबल स्टेट है. तो क्या ये अपने आप को स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेगा, बिल्कुल नहीं. तो इसीलिए ही यहाँ से यहाँ मूव आसानी से तो नहीं करेगा, आप ज़बरदस्ती करवाओगे तो भले ही ऐसा हो जाए, तो अगर आप इसे फोर्स करोगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो बदले में आपसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करने वाला है. इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई. तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है. जैसे अगर बोला जाए तो भाई फर्स्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट एक्सेप्शनली इसकी क्या है, लो, क्योंकि वो d5 और d10 एक्वायर करने वाला है, इसीलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, लो. अब इसके बाद अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई. जिंक हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू हैविंग 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन. अब जिंक का तो आपको पता ही है, इसका तो 4s में भी दो भर है, 3d में 10, तो ये तो फुली फिल्ड है, इसके दोनों ऑर्बिटल फुली फिल्ड है. अब यहाँ से 4s में से दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करने वाला नहीं है, बिकॉज अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन
इफेक्ट काम कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है, कोई पॉइंट हमें समझ नहीं आता, फिर भी हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहीं ना कहीं वैरिएट कर जाती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है कम होनी चाहिए वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसका एक और कारण देखा गया है, दैट रीज़न इज एक्सचेंज इन एनर्जी। अब वो जो आपका दूसरा रीज़न है आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज होने का, वो रीज़न है एक्सचेंज इन एनर्जी। अब ये एक्सचेंज इन एनर्जी है, इसी एक्सचेंज इन एनर्जी को एक दूसरा नाम दिया जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब इसे समझते हैं, ये है क्या, बहुत आसान है, नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। तो अब आप यहाँ से देखो, अगर आपके पास सपोज करो आपके पास दिस इज 4s एंड दिस इज 3d। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है और ये 3d 2 है। अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हो, इट इज सपोज टू बी एक एलिमेंट है ए, के पास 4s2 है और 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस एलिमेंट में से हम एक इलेक्ट्रॉन अभी रिमूव करने वाले हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा कहाँ से, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा फ्रॉम 4s। अगर इसने 4s में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट विल बिकम 4s1 एंड 3d2। तो आप सपोज करो कि अगर ये ए एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, सपोज दैट इसको 500 किलो जूल की एनर्जी लगती है, तो मैं इसको सिर्फ 500 किलो जूल ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन निकालना है 500 एनर्जी लगेगी, हमने उतनी सप्लाई करी और हमारा काम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 500 के बजाय ये कंज्यूम करता है 525 किलो जूल। अब ये 25 किलो जूल की एनर्जी एक्स्ट्रा इसने क्यों कंज्यूम करी, इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 4s में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जब ऐसा